हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो देखते हैं कि इसके बारे में क्या बताया गया है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की दूसरी बैठक सम्पन्न हुई। केन बेतवा लिंक परियोजना में दोधन बांध और नहर का निर्माण करके केन और बेतवा नदी में पानी का हस्तांतरण है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना है। तो इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य जो है मध्य प्रदेश की केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ना है, जो केन नदी का ज़्यादा अधिशेष पानी है वो बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। केन बेतवा देश की 30 नदियों को जोड़ने हैं शुरू की गई नदी जोड़ो परियोजना में से एक है। ये जो है बहुत बड़ी परियोजना है। ये 30 नदियों को जोड़ने की एक परियोजना है। राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दों के कारण यह परियोजना में देरी हुई है। इसके कुछ राजनीतिक और पर्यावरणविदों द्वारा कुछ अड़चनें उत्पन्न की गई जिससे कि इस परियोजना में अभी देरी हो रही है। इसके लाभ क्या होंगे? अगर ये परियोजना अच्छी तरीके से पूर्ण हो जाती है तो इसके क्या लाभ होंगे? सूखे की घटनाओं में कमी लाना, जैसा कि बुंदेलखंड में बारिश ना होने के कारण बहुत ही दिक्कत होती है, पानी का जलस्तर नीचे चला जाता है जिससे कि उसमें जो है सूखे की घटनाएं ज़्यादा होती हैं बुंदेलखंड में। तो इस परियोजना के आ जाने से जो पानी की कमी है बुंदेलखंड में वो दूर हो जाएगी जिससे कि सूखे की घटनाओं में कमी आएगी। किसानों को लाभ होगा इससे, जब पानी हर समय किसानों को उपलब्ध होगा और अच्छा भूजल स्तर भी बढ़ जाएगा उससे, तो किसानों को भी इससे लाभ होगा। विद्युत उत्पादन, इस पर बनाए गए बांध से विद्युत उत्पादन किया जाएगा जिससे कि भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्त होगी और विद्युत भी उत्पादन होगा। जीव विविधता का जीर्णोद्धार, जब कहीं पर बांध बनाए जाते हैं तो जल संरक्षण और जीव जंतुओं के संरक्षण संबंधी विभिन्न जो है नियम कानूनों का पालन किया जाता है जिससे उसके अगल बगल में बहुत सारे जीव जंतु और मछलियाँ और जलीय जीवों को वहाँ पर संरक्षित कर लिया जाता है जिससे कि जैव विविधता का भी संरक्षण होता है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी की देखिए कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ये टोंस नदी है, चंबल नदी है, हिडन नदी है, बेतवा नदी है, केन है। ये केन बेतवा दोनों ही यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। केन और बेतवा नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। इन दोनों नदियों का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश में है। केन नदी उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में यमुना नदी से मिलती है तथा बेतवा नदी से यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मिलती है। राजघाट, परीक्षा और माता टीला बांध बेतवा नदी पर निर्मित हैं। केन नदी पन्ना बांध अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। जो ये केन नदी है वो मध्य प्रदेश में पन्ना बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। तो जैसा सभी दोस्तों को पता है मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूँ जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो आज का प्रश्न है, काकरा पार परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? जो अभी हाल ही में चर्चा में था काकरा पार परमाणु संयंत्र जिसकी तीसरी यूनिट दिसंबर में चालू हो जाएगी, वो किस राज्य में स्थित है? तो आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर ये हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है
तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिसके लिए आप लोग अपने छोटे बड़े भाइयों को भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करें तथा हमारे साथियों ने इसे चैनल को बढ़ाने में बहुत ही सहयोग दिया है। हमारे साथी और भाइयों ने इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है, जिससे अब हमारा परिवार बढ़कर 25,000 के आसपास हो गया है। तो इसी तरह आप लोगों का प्यार हम पे बना रहे, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। आप लोग अपनी लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें, यही हम ईश्वर से दुआ करते हैं। तो आप लोग अपने लक्ष्य में लगातार अग्रसर रहें तथा ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।